My name is Bhavan. I read in 9th class. I read in Government Model Senior Secondary School, Dugyari. My name is Janvi. I read in 9th class. My school name is Government Senior Secondary School, Dugyari. I am student of Tourism and Hospitality. I am student of Healthcare. Now we are starting a debate on communication. टूरिज्म की तरफ से आ रही है अंतिमा जो कम्युनिकेशन के ऊपर बोले और तू बुला लेना। अब मेरे के बारे में पलक महाजन आई थी आपको बताने के आमने सामने खड़े संचार का सूचनाओं का आदान प्रदान करने से और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ साथी चिन्हों पर अपने गुनाहों को प्रकट करते हैं तब उसे संचार कहा जाता है। इसमें मैसेज होता है जिसका आदान प्रदान किया जाता है। इसमें एक सेंडर होता है जो संदेशों को प्राप्त करता है और रिसीवर होता है जो संदेशों को प्राप्त करता है। प्रोटोकॉल वह नियमों का समूह होता है जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन का सूचनाओं का कम्युनिकेशन का सूचनाओं का सूचनाओं को प्राप्त सही ढंग से करने से है। संचार का अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान करने से होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों संकेतों तथा प्रतीकों का आदान प्रदान करते हैं तब इसे संचार कहा जाता है। इन दोनों ने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बोला है इसलिए इनके लिए एक क्लैपिंग हो जाए। अब मेरी तरफ से हेल्थ केयर की तरफ से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताने आ रही है मीनाक्षी और टूरिज्म की तरफ से आ रही है रजनी। वर्बल वो होता है जो व्यक्ति बोलकर या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स दो प्रकार होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में व्यक्ति लिखकर या बोलकर दूसरे व्यक्ति को प्रकट करता है और नॉन वर्बल में इस संदेशों का दान। टाइप्स ऑफकम्युनिकेशन स्किल के दो प्रकार होते हैं। नंबर वन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में व्यक्ति अपने विचारों को किसी संकेतों या चिन्हों के द्वारा प्रकट करता है। वर्बल का उदाहरण वर्बल में जैसे मैं फोन से बात करूँ बोल के प्रकट करी दूसरे व्यक्ति से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में का उदाहरण है जब ट्रैफिक सिग्नल की लाइट जिससे हमें पता चलता है कि हमें कब जाना है और कब गाड़ी को रोकना है और खतरे के निशान में हमें पता चल जाता है कि हमें उस तरफ नहीं जाना है जिससे हमें पता चलता है कि वो बिना बोले ही